इस नंबर में एक अद्भुत शक्ति है, इस नंबर में वो ताकत है कि किसी भी व्यक्ति को आपका दीवाना बना दे। अगर आपका रिश्ता 100% खराबी की ओर जा रहा है या चला गया है तो बस 14 लिखो इस जगह, फिर देखो चमत्कार। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपके अपने धाम में 8 जुलाई से 19 अगस्त तक एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिन भी लोगों का काम अभी तक नहीं हुआ है, जो बहुत परेशान हैं, जिनके जीवन में हर हाल में उनको अपना प्रेम, अपना संबंध, अपना रिश्ता, अपना रिलेशन ठीक करना है, वो सीधा सम्मिलित हो सकते हैं। इस महायज्ञ का विशेष प्रयोजन है आपके जीवन में हर हाल में आपको जिताना। इसमें प्राथमिकता है 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा, अनेकों अन्य कार्यक्रम भी इसमें संपादित किए जा रहे हैं। इस यज्ञ में आप तत्काल तौर पर अपना नामांकन करा लें, क्योंकि बहुत कम लोगों को हम इसमें सम्मिलित कर पा रहे हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं। आपको पता है कि आपके परिवार में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपना नामांकन कराएं। इसमें आप वही लोग नामांकन कराएं जो इस यज्ञ में इस काल के मध्य में किसी भी दिन आकर सम्मिलित हो सकें। इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि आपको सशरीर आकर के सम्मिलित होना है, क्योंकि अभी तक हम जो भी यज्ञ करते थे आपका काम फोन पे चल जाता था। इस बार आपको सशरीर आकर के इसमें सम्मिलित होना है। आप सपरिवार आ सकते हैं। इसमें भोजन प्रसाद इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था है। जय शिव शंकर। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपके प्यार से मिलाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको रिश्तों में जिताया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान पूरी ईमानदारी से, पूरी प्रामाणिकता के साथ जहां होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। रिश्ता, नाता, संबंध, लव लाइफ या तुम्हारा पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक मैरिटल लाइफ, किसी भी स्तर पर रिश्ता, संबंध, प्रेम हो, उसे ठीक करने का काम लव विद एस्ट्रोलॉजी करती है। सिचुएशन कितनी भी खराब हो गई हो, झगड़े, विवाद, फसाद, अलगाव, दूरियां, खराबियां, कुछ भी हो, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको मदद करती है। इस यात्रा की एक और उपलब्धि है कि यहां सिर्फ और सिर्फ इसी विषय पर काम होता है और कोई काम नहीं होता। ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष तंत्र, मंत्र, पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ, इनके माध्यम से आपके रिश्तों को, आपके संबंधों को, आपके प्यार को, आपके रिलेशनशिप को, पारिवारिक लाइफ को बेहतर बनाने का काम किया जाता है। आज उसी विषय में बात कर रहे हैं। एक ऐसा चमत्कारी नंबर जिसे अगर आप इस जगह लिखते हैं तो जो तुमसे 100% रूठा हुआ है, नाराज है, दुखी है, परेशान है, तुम्हारी किसी गलती की वजह से या तुम्हारे नेचर, स्वभाव, व्यक्तित्व की वजह से या तुम्हारे किसी भी स्वभाव बर्ताव की वजह से या अनदर बहुत सारे कारण हैं, दूर होने के, दुखी होने के, तकलीफ में होने के, गुस्सा होने के, दूर जाने के, अनेकों कारण हैं। कोई भी कारण हो उसका सीधा निवारण है। ये नंबर अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक आदि है और एक अंत है। अब आप कहेंगे कि आदि शुरुआत का नंबर तो चलो ठीक है एक, पर 4 नंबर अंत कैसे हुआ? 4 नंबर जो है इसलिए कहते हैं आखिरी का नंबर है क्योंकि ग्रह कितने होते हैं? ग्रह होते हैं टोटल 9। 9 ग्रहों में जो अंतिम ग्रह है राहु और केतु, उनका नंबर 4 है, इसलिए आदि और अंत कहते हैं। ज्योतिष की भाषा में इस विषय को बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से लिया जाता है। अगर
ये 14 नंबर आपने इस जगह लिख दिया तो आप निश्चित तौर पर मानिएगा आपके जीवन में कदाचित कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपका प्यार आपसे अलग नहीं हो सकता। रूठना और मनाना एक बड़ा अच्छा सॉन्ग मुझे याद है, ध्यान सुनिएगा, जो हर कोई चाहता है अपने जीवन में, पर वो बनता कहां है, बिगड़ जाता है। रूठना है जरूरी तो रूठो, मगर रूठना है जरूरी तो रूठो मगर, रूठ कर मान जाने का वादा करो, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, फिर से मिलने मिलाने का वादा करो, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर। प्यार की किसी भी सिचुएशन में कोई मिले और फिर छूटने लग जाए, ऐसा कहां जमता है। रूठना मनाना आना जाना समझ में आता है, रूठ कर चले जाना समझ नहीं आता, बस उसी विषय को ठीक करता है ये नंबर। सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। आज हम कह रहे हैं कि 14 नंबर यहां लिखने से आपके अपनी लाइफ में वो सब चीजें संभव हो सकती हैं जो तुम चाहते हो। आपको करना क्या है, आपको अपने अंतर्वस्त्र, जो गुप्तांग का आपका वस्त्र है, जो आपका अंतर्वस्त्र है, हम बात कर रहे हैं जो कमर से नीचे पहना जाता है उस वस्त्र की, उस वस्त्र में आपको 3 जगहों पर 14 14 14 ऐसे लिखना ऊपर से नीचे की तरफ, और ये आपको लिखना है रेड पेन से, और किसी ऐसे अंतर्वस्त्र में लिखिएगा जिसका ऑलरेडी कलर बहुत डार्क हो, ये नंबर बहुत प्रतिबिंबित ना हो, और प्रयत्न कीजिए कि आप उन्हीं वस्त्रों को पहने जिसमें ये नंबर लिखे हो। जैसे ही ये एक अर्धमास कंप्लीट होता है, त्रिभिर्पक्षैर्तिभिर्मासैर्तिभिर्वर्षे फलात्मकाः, या तो एक पक्ष में या तो 3 पक्ष में, और नहीं बहुत अतिशय खराब हुआ, विश्व का सबसे खराब कंडीशन हुआ तो 3 साल में ठीक होता ही है ऐसा मानते हैं, तो तुम पहले ही मानो ना 15 दिन के अंदर ठीक हो जाने वाली चीजें, 15 मिनट भी हो सकता है तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास ठीक हुई, गुरु का आदेश हुआ और गुरु की बात आपको लग गई तो 15 मिनट में भी हो सकता है, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना, इस वस्त्र को पहनते रहना, खत्म मत करना, जैसे ही नंबर मिटने लगे फिर से लिख देना, अंदर की ओर लिखना बाहर की ओर नहीं, प्रभाव पड़ेगा तुम्हारे जीवन में। ये नंबर्स बहुत कम चमत्कारी होते हैं, ये नंबर जीवन में अद्भुत प्रभाव दिखाते हैं, और प्यार के लिए तो खास तौर से ये नंबर बने हुए हैं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से करना, पूरी ईमानदारी से करना, तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, अपना बहुत ख्याल रखना, रोना मत, परेशान मत होना, नेगेटिव मत होना, उल्टा सीधा बिल्कुल मत सोचना, प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, और सकारात्मक रहना। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो ना, मैं उसमें भी तुम्हारी मदद करूंगा, साथ में तुम्हारा भी ध्यान रखूंगा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे रिश्ते का, संबंध का, विवाह का और परिवार का, सबका ध्यान रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।